नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशु की दुनिया में। आप सबके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिनका मुझे लगा कि रिप्लाई करना चाहिए वीडियो के थ्रू। सो होपफुली नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपडेटेड होगी आप लोगों के लिए, आप लोगों के कमेंट्स के लिए। सो आज की जो वीडियो है उसमें अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो सेकेंड सिजेरियन हुआ है वो कौन से वीक में हुआ था। एंड आप लोगों को पता ही है, मैंने कई बार शेयर किया है आप लोगों के साथ में कि जो मेरा सेकेंड सिजेरियन है वो कम्प्लीटली 1.5 साल के गैप में है। मतलब कि डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी जो थी वो मेरी 1.5 साल पहले हुई थी। जी हाँ, कम्प्लीटली 10 मंथ्स बाद मैंने कंसीव कर लिया था और 1.5 साल बाद मेरी डिलीवरी हो चुकी थी, जो कि सेकेंड सिजेरियन ऑप्शन था। फर्स्ट टाइम डिलीवरी ऑप्शन भी मेरा सिजेरियन था एंड सेकेंड टाइम भी, क्योंकि इतना कम गैप था। सो डॉक्टर ने मुझे पहले ही एडवाइस कर दिया था कंसीव करने से पहले ही कि मेरा जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो सिजेरियन ही होगा अगर आपने इतनी जल्दी कंसीव कर लिया तो। सो मेन मैटर यही करता है कि आप जितनी जल्दी कंसीव करते हैं तो आपका कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है नॉर्मल डिलीवरी का, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सिजेरियन। जी हाँ, जल्द से जल्द अगर आपको कंसीव करना है, सेकंड अपनी प्रेगनेंसी करनी है फर्स्ट सिजेरियन के बाद, तो आपका ऑप्शन जो होता है वो सिजेरियन का होता है। मैंने 10 मंथ्स बाद कंसीव किया था एंड देन 1.5 ईयर्स बाद मेरा सिजेरियन हो चुका था। तो अब बात करते हैं कि कितने टाइम पर मेरा सिजेरियन हुआ था। वीक्स वाइज प्रेगनेंसी देखी जाती है, मंथ वाइज भी देखी जाती है, बट जो हमारी डिलीवरी का ऑप्शन होता है वो वीक वाइज में होता है, मंथ वाइज नहीं होता है। आपके मंथ वाइज में सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए डॉक्टर्स आपको बताती हैं कि ये मंथ चल रहा है, वो मंथ चल रहा है, बट हाँ अगर आपका डिलीवरी ऑप्शन देखना है तो वो वीक वाइज चेक करते हैं। वीक वाइज की मैं बात करूं, अगर 36वें हफ्ते के बाद आपकी डिलीवरी हो रही है, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो सिजेरियन है, ये बिल्कुल सेफ होता है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन होता है कि जितना टाइम ज़्यादा आप बेबी रहेगा आपकी वॉम में, तो उस टाइम पर क्या होता है, ज़्यादातर वेट गेन होता है बेबी का। अगर वो 4 दिन 6 दिन 1 वीक 2 वीक्स जितना ज़्यादा आपके पेट में रहेगा, सो मेन थिंग होती क्या है ना कि जब आपके पेट में बच्चा होता है तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा से ग्रो कर रहा होता है, जल्दी से अपना वेट गेन कर रहा होता है। लास्ट के ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा वेट गेन बेबी का होता है, इसीलिए डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आप जितना लेट हो सके उतनी लेट डिलीवरी ऑप्शन हो। बट हाँ, अगर नॉर्मल की तरफ जाना चाहते हैं तो ये आपके हाथ में नहीं होता है। अगर आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या आपका जो बैग है वो फट जाता है, इस टाइप से ये जो सिचुएशंस होती हैं वो आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो आपका नॉर्मल ऑप्शन होता है जो कि नॉर्मल डिलीवरी का होता है। बट हाँ, अगर सीजेरियन की तरफ जाना चाहते हैं तो ये पहले से डिसाइडेड होता है कुछ केसेस में कि आपका सी सेक्शन ही होना है। अब बात करते हैं मेरा सी सेक्शन कब हुआ था। सो मेरे सी सेक्शन के लिए 18th week + 1 day पर मेरा सी सेक्शन हुआ था। मुझे 37th week में ही अपना सी सेक्शन करवाना था, मुझे नहीं करवाना था एक्चुअली, मेरे डॉक्टर ने ही मुझे एडवाइस किया था। बट हाँ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, मेरे बीपी की वजह से हमें 2-4 दिन और वेट करना पड़ा और इस कंडीशन में मुझे 38 + 1 day पर मेरा सी सेक्शन हुआ। 38 week + 1 day, वीक वाइज ही आपकी प्रेगनेंसी देखी जाती है, तो डिलीवरी ऑप्शन में भी यही देखा जाता है कि कौन से वीक पर आपकी डिलीवरी हुई है। फर्स्ट जो मेरी डिलीवरी हुई थी वो 40 + 3 days में हुई थी। जी हाँ, कम्प्लीटली 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है आपकी, तो 40 + 3 days में मेरी डिलीवरी हुई थी। तो ये आपके लिए होपफुली आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आए, यूजफुल लगे। यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।